टेस्ट एंड ब्यूटी विद ज्योत्सना में आपका स्वागत है। कटहल की सब्जी बनाते हैं जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। कटहल को उबलने रख दिया था नमक डालकर, और एक साइड यहाँ पर प्याज काट ली थी, अदरक लहसुन बारीक बारीक चॉप कर लिया था। यहाँ कटहल उबल गया था तो उसको छन्नी में छान लिया ताकि उसका पानी निकल जाए। एक साइड तेल चढ़ाया, उसमें गर्म मसाले सारे खड़े गर्म मसाले डाले, दालचीनी लौंग तेज़पत्ता और भी जो खड़े गर्म मसाले होते हैं वो आप डाल सकते हैं। वो थोड़े से हल्के से भुन गए। उसके बाद उसमें डाली प्याज कटी हुई। एक साइड यहाँ पर कढ़ाई रख दी थी, उसमें हमने कटहल जो उबाला था वो कटहल तलने के लिए रख दिया। इसको भी हल्का सा ब्राउन करना है कटहल को। एक यहाँ पर जब प्याज भुन गई तो यहाँ पर इसमें हमने लहसुन कटा हुआ डाला, अदरक कटा हुआ डाला और इसको फिर अच्छे से चला लेंगे। हल्का से ही भुन जाएगा। यहाँ पर हमारा कटहल भी तल के तैयार हो रहा है। कटहल तल के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमने जो प्याज भूनी थी उसको एक साइड तेल निथार दिया है। प्याज को मिक्सी में पीसना है। साथ में हमने फुलाया था खसखस फुला दी थी, साथ में इसके पीस लेंगे थोड़ा सा खसखस। प्याज के प्याज भून चुकी थी तो उसी में फिर हमने प्याज टमाटर और साथ में खसखस भी साथ में मिक्सी में पीस लेंगे और इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। अच्छे से जब ये बारीक पेस्ट बन जाए पीसने के बाद फिर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल डालेंगे मसाला जो हमने पीसा है ये मसाला डाल देंगे। तो मसाला जब थोड़ा भुन जाएगा तो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें और फिर अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से चलाएंगे। साथ ही अब हम डालेंगे मसाले, हल्दी धनिया मिर्ची। मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं जैसे खाना हो। थोड़ा भुनने के बाद उसके बाद ही हमने हल्दी धनिया मिर्ची डाल देंगे इसमें और फिर अच्छे से चलाएंगे और थोड़ा सा पानी डाल के भी थोड़ा मसाले को भूनेंगे ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। और थोड़ा मीडियम आंच पे ही भूनना है ताकि जले ना मसाला। इसमें हमने डाला है थोड़ा सा चिकन मसाला और फिर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। जब ये थोड़ा पक गया फिर उसमें पानी डाल दिया और फिर अच्छे से मिक्स चला लेंगे। इसमें फिर हमने जो कटहल तल के रखे थे वो कटहल डाल दिए हैं और कटहल को भी अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे और थोड़ा उबल जाएगा तो उसमें थोड़ा सा पानी जितनी ज़रूरत है आपको रोस्टा करना उतना कर लें और ढककर धीमी आंच पर पकाएं। तो लीजिए तैयार हो गया है कटहल। तेल ऊपर छोड़ दिया है पूरा कटहल ने और ऊपर से हम डालेंगे हरा धनिया। बनकर तैयार है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। तो तैयार है कटहल की सब्जी।